नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर कुछ फ्रेजेस को समझाया जाए। राजदेव का क्वेश्चन था कि आई एम सॉरी टू से का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। अमरनाथ का डाउट था कि इन इंटेंशन ऑफ का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। और इसके साथ एक और फ्रेज मैं आपको बताने वाला हूँ, ले ऑफ, जो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मिला। तो ये जो तीन फ्रेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग करते करते जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं कि हम लोग इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और जब भी आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी फ्रेजेस पर, ग्रामर पर, स्पोकन के किसी नियम पर डाउट होता हो, समझ में नहीं आता हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चालू करें, पहले हम लोग समझते हैं राजदेव का डाउट, आई एम सॉरी टू से का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। मुझे दुख है कि जब भी आपको अपनी किसी काम पर दुख होता है, आपने कोई वादा किया हो, आपने कोई काम पूरा ना किया हो, जब आप दुख व्यक्त करते हैं तब आप कहेंगे आई एम सॉरी टू से। मुझे दुख है कि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, आई एम सॉरी टू से आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क, आई एम सॉरी टू से। आप लोग आई एम सॉरी टू से को शुरू में भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, ये कहकर भी आप अपने वाक्य को आगे कह सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट आई विल बी अनेबल टू स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई एम सॉरी टू से दैट आई विल बी अनेबल टू स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। मुझे दुख है कि मैं लंबे समय तक नहीं रुक पाऊंगा, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। तो हमने इसको आई एम सॉरी टू से कहा। तो मिस्टर राज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं दूसरा फ्रेज लेता हूँ, अमरनाथ का डाउट, इन इंटेंशन ऑफ। इन इंटेंशन ऑफ का मतलब होता है कि इरादे से, कि इरादा, यानी इरादा, जब हमको इरादे के रूप में बात करना हो तभी हम लोग इन इंटेंशन ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग दिस जॉब, मुझे यह नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग दिस जॉब, तुम्हें उससे शादी करने का इरादा नहीं था, तुम्हें उससे शादी करने का इरादा नहीं था। यू हैड नो इंटेंशन ऑफ मैरिंग हर, यू हैड नो इंटेंशन ऑफ मैरिंग हर। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इंटेंशन ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो आपको वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करना है। I have no intention of scolding you, मुझे तुम्हें डांटने का कोई इरादा नहीं है। I have no intention of scolding you, मुझे तुम्हें डांटने का कोई इरादा नहीं है। तो अमरनाथ, जब भी आपको कहना है कि ये इरादा है या इरादा नहीं है, तो आप ऐसे से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों एक फ्रेज मुझे बहुत अच्छा मिला है, ले ऑफ, एल ए वाई ओ डबल एफ। ले ऑफ का मतलब होता है डिस्चार्ज अ वर्कर फ्रॉम द जॉब, किसी वर्कर को परमानेंटली या फिर टेम्परेली जॉब से निकाल देना, काम की कमी की वजह से या कोई भी कारण की वजह से, तब हम लोग ले ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ले ऑफ का हम लोग सेंटेंस करते हैं, वी आर गोइंग टू ले ऑफ 20% ऑफ एम्प्लॉइज। वी आर गोइंग टू ले ऑफ 20% ऑफ एम्प्लॉइज, हम 20% कर्मचारियों को ले ऑफ करने वाले हैं। हम लोग 20% कर्मचारियों को निकालने वाले हैं, किसी कारणवश, कोई कारणवश हम लोग ये बात कह सकते हैं जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं। इफ यू डू नॉट सेल अ सिंगल कार इन अ मंथ, यू विल बी लेड ऑफ। इफ यू डू नॉट सेल अ सिंगल कार इन अ मंथ, यू विल बी लेड ऑफ। अगर आप महीने में एक कार भी नहीं बेचेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक कार भी नहीं बेचेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये तो तीन फ्रेजेस थे दोस्तों, बहुत ही छोटे से थे, स्पीकिंग करते समय हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले समझिए, इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अलग अलग टेंसेस में वाक्य बनाने की कोशिश करें, तो आप भली भांति समझ जाएंगे और बोलने का प्रयास करेंगे तो आपके मुंह से वो सेंटेंसेस बहुत अच्छे से निकलेगा। और प्रैक्टिस आपको मन में नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको बोल के करना है, जोर से करना है, जिससे आप अपने ही सेंटेंस को सुनेंगे और आपको लगेगा कि आई कैन स्पीक इन बेटर वे। तो कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार के कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, बस मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा।
और आपको पता है कि मैं रात को 9 बजे ऑनलाइन रहता हूँ रेनबो इंग्लिश विद दीपक में, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रेनबो इंग्लिश विद दीपक और रेनबो इंग्लिश दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने डाउट पूछना बंद न करें। आपके डाउट का वीडियो या तो मैं अपलोड करूंगा या फिर उसे ऑनलाइन क्लास में शामिल करूंगा। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।